नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी उत्तराखंड में छोड़ी हुई गायों की दुर्दशा के बारे में वीडियो बनाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लें कि आप में से कुछ लोगों ने सपोर्ट व्यक्त किया है। मेरी इस सोच को दिशा देने हेतु मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट इस पर हम एक डायरेक्शन के तहत काम कर सकें। सबसे पहले मैं आपको कॉमेट गौ सेवा केंद्र के बारे में बताना चाहूँगा। हम इसके लिए कॉमेट गौ सेवा केंद्र इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पर यह गौशाला बनाया जाएगा और गाय बछड़ों की देखभाल की जाएगी। इस कॉमेट गौशाला केंद्र को मैनेज करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, कॉमेट गौ सेवा समिति। कॉमेट जो मैनेजमेंट टीम इस समिति का गठन करेंगे, फिर यह समिति कॉमेट गौ सेवा केंद्र बनाने के लिए कार्य करेगा। कॉमेट गौ सेवा समिति एक स्पेसिफिक विजन और मिशन के तहत काम करेंगे। इस समिति का विजन होगा एक ऐसा सेंचुरी क्रिएट करना, जहां पर हर गाय और बछड़े को बेस्ट केयर के साथ रखा जाए। यह समिति ऐसी मानसिकता को डेवलप करने के लिए भी काम करेगा, जिससे लोग गाय बछड़ों या किसी भी जानवर पर अत्याचार न करें। और मुख्यतः गाय जब दूध देना बंद कर देता है, उनको ऐसे जंगलों में न छोड़ें। इस समिति का मिशन रहेगा, जो भी गाय हमें पैथेटिक कंडीशन में कहीं दिखता है, हम उस गाय को अच्छी देखरेख के साथ गौशाला में रख सकें और समाज में एक उदाहरण को सेट करते हुए कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें और हम अधिक से अधिक गाय बछड़ों की देखरेख कर सकें। नेक्स्ट, मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान के बारे में बताऊंगा। कॉमेट का मैनेजमेंट टीम कॉमेट गौ सेवा समिति के लिए मेंबर्स वन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए काम करेंगे। इस गौ सेवा समिति में उत्तराखंड के लोकल और उत्तराखंड के बाहर के वॉलेंटियर्स दोनों रहेंगे। शुरुआत में 25 साल का लीज वाली जमीन के लिए सर्च करेंगे। इस गौ सेवा समिति में दो प्रकार के वॉलेंटियर्स, लोकल वॉलेंटियर्स जो फील्ड में काम करेंगे, साथ ही उत्तराखंड के बाहर के वॉलेंटियर्स जो लोग फाइनेंशियली इस गौशाला को बनाने में अपना सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास पर्याप्त वॉलेंटियर्स होंगे और जैसे ही हम एस्टिमेटेड कॉस्ट पा चुके होंगे, गौ सेवा केंद्र के कंस्ट्रक्शन पर कार्य शुरू कर देंगे। इस समिति के फर्स्ट 10 to 12 कंट्रीब्यूटर्स इस समिति के कोर मेंबर होंगे, जो सभी मैनेजमेंट रिलेटेड डिस्कशंस और डिसीजंस पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इस गौशाला की समिति में जो अलग अलग रोल्स होंगे, जैसे कि वॉलेंटियर्स, वेटनरी डॉक्टर्स, रेस्क्यू टीम, एडमिन टीम, मैनेजमेंट टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमने सभी ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। जैसे जैसे इस टीम में मेंबर जुड़ते जाएंगे, हम कॉमेट गौशाला समिति नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, सो दैट हम क्लोजली इस पर डिस्कस कर सकें। जो हमारा इनिशियल एस्टीमेट है, उसके अकॉर्डिंग हम शुरुआत में 5 या 6 गाय और बछड़ों का टेक केयर करेंगे इस गौशाला में। उसके बाद जैसे जैसे और वॉलेंटियर्स जुड़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम गायों और बछड़ों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। कॉमेट गौ सेवा समिति कॉमेट गौ सेवा केंद्र को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग के तहत काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, जहाँ पर गाय और बछड़ों का गौमूत्र भी हम प्रोसेस करेंगे, साथ ही गाय का जो गोबर है उससे हम ऑर्गेनिक खाद बनाने पर भी कार्य करेंगे, हर प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी काम करेंगे। क्योंकि इसमें उत्तराखंड के बाहर के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए हम उत्तराखंड के बाहर के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार से फैसिलिटीज यहाँ पे देंगे। जैसे कि ट्रेडिशनल जो पहाड़ी हाउसेस होते हैं उत्तराखंड में, इनको हम गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, वो जब चाहें यहाँ आएँ, यहाँ आकर अपने पूरे परिवार के साथ
रहते हुए गौशाला को नजदीकी से देख सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार गौशाला में सेवा करने का जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है उसको फील कर सकते हैं। ये वॉलेंटियर्स यहाँ रहते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी अपनी सोच और अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस समिति या फिर इस केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।